हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे चैनल का नाम है मास्टरमाइंड आर्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कमांडर को रिपेंट करने वाले हैं, मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने कलर चूज़ किया है मिलिट्री। तो दोस्तों, इसको पेंट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि गाड़ी की पूरी कंडीशन देखी है, मतलब गाड़ी का पूरा पेंट खराब हो गया है, मतलब मेटल भी खराब हो गया है। तो आप जैसे कि देख रहे हो पपड़ियाँ छूट रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहला पूरा कलर रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद इसका जो जंग है उसको निकालना पड़ेगा, पूरा रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे वाली प्रोसेस करने वाले। तो जैसे कि आप देख रहे हो कहीं कहीं पर डेंट भी दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको जहाँ पर डेंट है वहाँ पर हम पुट्टी फिलिंग करेंगे। तो उसका पूरा लेवल करने के बाद ही हम आगे वाली मतलब पेंट वाला प्रोसेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कहीं कहीं पे प्याज भी मारना पड़ा है, तो उसको भी हम मतलब पूरा उसको निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारा काम है, तो हमें पहले इसका कलर निकालना पड़ेगा पुराना। अगर इस पर ही पेंट करेंगे तो मतलब बाद में दिक्कत हो जाएगी, फिर से कलर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पूरा पेंट ही निकालना पड़ेगा जो पुराना वाला पेंट है, उसके बाद हम आगे वाली प्रोसेस करने वाले। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि हम पेंट कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में कुछ मैं मतलब डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और मतलब एक ही चीज़ बार बार मतलब हर वीडियो में दिखाना वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको मतलब जो प्रोसेस मैंने किए सभी वीडियो में मैंने उसके डिटेल्स दे दिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वो सब वीडियो देख सकते हो। तो हम इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में बने रहो, और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके आगे वाली प्रोसेस हम पूरा पेंट निकालने के बाद ही करेंगे, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहो।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो हमने पूरा पेंट निकाल दिया है, आप देख सकते हो मतलब जो उसका जो लेवल है मेटल का पैनल का वो पूरा मतलब उस पर बहुत सारे डेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर रेड ऑक्साइड अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम पुट्टी से उसको फिल करेंगे ताकि वो जो छोटे छोटे डेंट है वो निकल जाए और फिनिशिंग भी अच्छा आ जाए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहे हो। तो दोस्तों रेड ऑक्साइड अप्लाई करने के बाद हमने पुट्टी फिल की थी, अभी उसको सेंडिंग का काम स्टार्ट है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हो जो छोटे छोटे डेंट है वो दिखना बंद हो गए हैं। तो अगर उसमें भी छोटे डेंट बच जाते हैं तो हम उस पर लांबी अप्लाई करेंगे ताकि वो भी निकल जाए और फिनिशिंग अच्छे आ जाए और पेंट भी अच्छा दिख जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि पुट्टी कैसे फिल करते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके सभी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया है पुट्टी कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी पुट्टी अच्छी रहते हैं। तो दोस्तों फिनिशिंग के लिए कौन सी पुट्टी अप्लाई करनी चाहिए तो सभी डिटेल्स मैंने वीडियो में दे दिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो NC प्राइमर अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम NC पुट्टी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पे मैंने सेंडिंग की है वहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है और जो डेंट रहते हैं वो पूरा मतलब निकल गए, कुछ डेंट नहीं दिख रहे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि पुट्टी अप्लाई करने के बाद जो फिनिशिंग आती है तो काफ़ी तारीफ मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जहाँ जहाँ पे मतलब जो पैनल है उसका भी लेवल लाने के लिए पुट्टी का अप्लाई किया है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे वाले प्रोसेस देखने वाले हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, पुट्टी अप्लाई करने के बाद हम एनसी प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो एनसी प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम इस पर फिर से एनसी लांबी अप्लाई करेंगे, ताकि जो अगर कुछ डेंट रह जाते हैं तो वो उसका काम पूरा कर देगा, मतलब वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और लेवल भी अच्छी आ जाएगी। इसके बाद जो हम एनसी लांबी अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसको फिर से 600 नंबर वाटर पेपर से फिर से सेंडिंग करेंगे, ताकि और भी फिनिशिंग लाने के लिए वो प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो, इसके बाद हम आगे वाले प्रोसेस करने वाले। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, ये एनसी प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम इस पर लांबी अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। इससे क्या होता है, मैं पैनल का लेवल भी आ जाता है और कुछ छोटे जो डेंट है वो निकल जाते हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, तो पेंट भी इस पर बहुत अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहे, इसके बाद हम इसको 600 नंबर पेपर से, मतलब वाटर पेपर रहता है उससे हम सेंडिंग करेंगे। उसके बाद हम इसको एक बार वॉश करेंगे, पूरी गाड़ी वॉश करना पड़ेगा, जो डस्ट है वो पूरा निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो मिलिट्री पेंट है उस पर अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहो।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, पूरा पुट्टी का और लांबी का काम कंप्लीट हो गया, सेंडिंग का पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको पूरा वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद जब पानी पूरा निकल जाएगा, पूरा सूख जाएगा, उसके बाद हम इस पर डिग्रीज करके पेंट अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, हमने पेंट अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे हम इस पर पेंट के दो लेयर अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम इस पर क्लियर कोट अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप फाइनल शॉट देखने के लिए रेडी हो जाओ, ताकि आपको भी पता चले कि हमने क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करने के बाद ये जो रिज़ल्ट है कैसा दिखता है। तो आप वो रिज़ल्ट देखे बिना वीडियो स्किप मत करना। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहो।
तो दोस्तों फाइनल पी एंड कम्प्लीट हो गए है। तो जैसे कि आप रिजल्ट देख रहे हो, बहुत ही अच्छा शाइन है और बहुत ही अच्छा मिरर इफेक्ट दिख रहा है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है। इसके लिए हमने बायलॉक्स का पेंट यूज़ किया है और क्लियर कोट भी बायलॉक्स का ही यूज़ किया है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो में बने रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।